70 और 80 के दशक के एक्टर और डायरेक्टर अमोल पालेकर 79 साल के हो चुके हैं। 24 नवंबर 1944 को मुंबई में जन्मे अमोल पालेकर ऑफबीट फिल्मों के स्टार थे और शांत और सहज अभिनय से लोगों का दिल जीता करते थे। उनके बोलने का स्टाइल, कॉमेडी करने का ढंग और इमोशनल करने का अंदाज भी अनोखा था। अमोल पालेकर सिचुएशनल कॉमेडी के लिए मशहूर थे। उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखने से पहले थिएटर में भी अपनी किस्मत को आजमाया था। पालेकर ने मुंबई के मशहूर कॉलेज जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से बतौर आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की। कॉलेज के दिनों में वो पेंटिंग भी करा करते। अमोल ने जेजे स्कूल ऑफ फाइन आर्ट से एडमिशन तो लिया तो खर्च चलाने के लिए टाइपिंग सीख लिया करते थे। ग्रेजुएशन के बाद कई एड एजेंसीज में भी इन्होंने काम किया। इसके बाद बैंक में क्लर्क की नौकरी लगी तो दिन में बैंक में काम करते और रात में पेंटिंग अमोल की जिंदगी के पहलू थे। उनके मुताबिक वो एक्टर इत्तेफाकन बने, प्रोड्यूसर्स मजबूरी में, डायरेक्टर अपनी मर्जी से, लेकिन दिल से वो पेंटर थे। यहाँ तक कि एक्टिंग डायरेक्शन से एक पेंटर की नज़र से ही उन्होंने चीज़ों को देखना शुरू किया। 1967 में अमोल की पेंटिंग को किसी गैलरी में एग्जीबिशन के लिए स्वीकार नहीं किया गया। जब मशहूर पेंटर के एच आरा ने अमोल की न सिर्फ पेंटिंग की तारीफ की बल्कि ताज आर्ट गैलरी में अपनी डेट्स अमोल को दे दी, लेकिन अमोल उस समय बैंक की नौकरी में प्रोविजन पर थे, इसीलिए एग्जीबिशन में जाने की इजाज़त नहीं मिली। 2014 में उनके चित्रों की एग्जीबिशन अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई के अलावा अमेरिका में हो चुकी थी। अमोल अपनी पेंटिंग्स को बेचकर होने वाली कमाई को सोशल कोज के लिए डोनेट करते हैं। 1971 में अपनी करियर की शुरुआत करने वाले अमोल पालेकर ने बॉलीवुड में करीब 1.5 दशक तक काम किया, तकरीबन 40 फिल्में की, लेकिन बतौर हीरो इन्हें सिर्फ एक बार ही फिल्मफेयर अवार्ड मिला। 1980 में ये अवार्ड इन्हें गोलमाल के लिए दिया गया था। रजनीगंधा, घरोंदा, छोटी सी बात, गोलमाल इनके करियर की बेहतरीन फिल्में रही। इनमें से छोटी सी बात लो बजट फिल्म थी जिसकी सफलता ने उस समय बॉलीवुड में हलचल मचा दी। अमोल पालेकर ने पहला नाटक 1968 में शांतता कोर्ट चालू आहे किया था, पहली मराठी बाजी रावचा बेटा और पहली हिंदी फिल्म रजनीगंधा की। 1972 में अपना थिएटर ग्रुप अनिकेत बनाया। अमोल के दो नाटकों को अश्लीलता के आरोप में महाराष्ट्र सरकार ने बैन कर दिया। इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। 2016 में थिएटर सेंसरशिप के खिलाफ बोले। 2017 में सिनेमेटोग्राफी एक्ट की कुछ धाराओं को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की और सेंसर बोर्ड की सेंसरशिप के खिलाफ भी कोर्ट गए। एक निदेशक के रूप में इन्होंने कई फिल्मों को डायरेक्ट करने के साथ कुछ सीरियल्स का भी निर्देशन किया। अमोल ने साल 1981 में मराठी फिल्म आकृत से डायरेक्शन में कदम रखा। उनकी बनाई 5 फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिले। ये फिल्में थी बांगरवाड़ी, दायरा, कैरी, ध्यास पर्व और क्वेस्ट। उनकी लास्ट डायरेक्टेड फिल्म रही पहेली। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी स्टारर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि पहेली को ऑस्कर के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में इंडियन एंट्री डिक्लेयर किया गया था, लेकिन ये फिल्म अवार्ड नहीं जीत पाई। उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म साल 2011 में रिलीज हुई मराठी फिल्म धूसर थी। अमोल पालेकर बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट इस साल वेब सीरीज फर्जी में भी नजर आए थे और फिर गुलमोहर में भी नजर आए थे। अमोल पालेकर ने 2 शादियां की थी। इनकी पहली पत्नी संध्या गोखले थी, लेकिन 2001 में दोनों का तलाक हो गया। दोनों की शादी 1969 में हुई थी और ये 32 साल चली। तलाक के बाद 2001 में अमोल पालेकर ने चित्रा से शादी कर ली। पालेकर की 2 बेटियां हैं और इसी के साथ वो एक बहुत अच्छे पिता हैं। दोस्तों, कुछ ऐसा था पालेकर का सफर। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।